शरीर में पानी के पीएच की गिरावट से जो बीमारियां होती हैं कभी भी ठीक नहीं होती जब तक शरीर में पानी के पीएच को बढ़ाया ना जाए। इसलिए लोग लाइफ टाइम दवाइयां खाते हैं ये सोचने को तैयार नहीं कि वो बीमारी का मुख्य कारण क्या है, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, जैसे कि हवा में पोल्यूशन वो हमारे हाथ में नहीं होता, जैसे कि सब्जियां अगर किसी कारण केमिकल की आ रही हैं हमारे शरीर में वो भी एसिडिक का कारण बन रही है। जब तक आप अपने शरीर में पानी के पीएच को बढ़ाएंगे नहीं, पानी के पीएच को बढ़ाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। कैसे काम करती हैं उसका एक हम प्रैक्टिकली डेमो देखेंगे तो पता चलेगा कि एग्जैक्टली प्रोडक्ट क्या है। और ये बेनमो आयुर्वेदा शॉप का एक बेहतरीन ऐसा प्रोडक्ट है कि अल्कलाइन क्या है, एसिडिक क्या है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक चार्ट है, चार्ट के जरिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप ग्रीन जो है यहाँ 7 pH जो है वो 7 pH है, यहाँ पर 7 pH से नीचे अगर जाता है तो वो एसिडिक हो जाएगा, 7 pH से ऊपर जाएगा तो वो अल्कलाइन हो जाएगा। अभी देखते हैं यहाँ पर 2 glass हमने लिए हैं, यहाँ पर एक ग्लास में हमने अपना जो बिस्लरी बॉटल पीते हैं या जो भी पानी पीते हैं आरओ का, वो पानी का हमें डिवाइड कर रहे हैं, दोनों ग्लास हमने यहाँ पर लिए हैं। अभी देखिए दोस्तों यहाँ पर एक पीएच सॉल्यूशन है, उसे पता चलेगा कि एग्जैक्टली ये पानी जो है वो पानी क्या है। तो हम देखते हैं पहले कि यहाँ पर एक ग्लास जो है उस पर हम यहाँ पर कुछ ड्रॉप उस पर डालते हैं पीएच सॉल्यूशन का, जो एक केमिकल है। तो आप देख सकते हैं इसका कलर, आप देख सकते हैं यहाँ पर तो लगभग कितना है, 3 pH के आसपास, बराबर। अभी देखिए दोस्तों तो यहाँ पर आप देखते हैं कि अल्का प्योर जो हमारा पीएच जो ड्रॉप है, आप जानते हैं कि आजकल जो पानी है वो पानी कैसा हो गया है, पानी हम जो पानी को शुद्धिकरण के लिए क्या किया हमने कि आरओ का इस्तेमाल किया, का फिल्टर डाले, तो उससे क्या हुआ पानी शुद्ध हो गया, लेकिन उससे वो जो पानी था वो एसिडिक हो गया। अभी अल्कलाइन कैसे होता है हम देखते हैं यहाँ पर। मैं यहाँ पर जो अपना अल्का प्योर है जो आइडियल पीएच है उसका कुछ ड्रॉप उस पर डालता हूं, 1, 2, 3, 4, 5 ड्रॉप मैंने डाले। अभी इसको मैं हिलाता हूं और यही पीएच सॉल्यूशन इस पर डालते हैं। एक कलर आप देख सकते हैं, ये पीएच सॉल्यूशन में आप जो डाला उसका कलर कितना है, 9 pH के आसपास आप देख सकते हैं, दिखता है 9 pH के आसपास, आप ये चार्ट है। ओके, अभी देखिए दोस्तों दोनों कोई कलर मिलाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो पीएच सॉल्यूशन जो है और उसकी वजह से ये जो था एसिडिक हो गया, ये अल्कलाइन आपको दिखता है, दिखता है। दोस्तों तो ये जो है ये पानी जो है उस पानी में जो एसिडिक पानी था उसको अल्कलाइन कर दिया, तो ये जो है तकरीबन कितने पीएच का हो गया, 9 pH का हमारे पानी जो एसिडिक पानी था उसको बना दिया। ये आप देख सकते हैं कि अल्का प्योर जो है वो अल्का प्योर का कमाल। जिसने हमारी धरती को आबाद किया, जिसने इस धरती पर जीवन का आगाज किया, जो हमारे शरीर के कण कण में बसा है, जिसके ऊपर ये सारा संसार टिका है। मानव शरीर का 70% हिस्सा पानी से बना होता है और इस शरीर को स्वस्थ बनाए रखने और नुकसानदायक पदार्थों को बाहर निकाल फेंकने के लिए हमें रोजाना ढेर सारा पानी पीने की जरूरत पड़ती है। आज हमारी धरती का पानी वाटर पोल्यूशन की वजह से हार्मफुल केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, बैक्टीरिया, इंडस्ट्रियल वेस्ट और दूसरे ढेर सारे नुकसानदायक तत्वों से भर गया है। पानी को हमारे घर में पहुंचाने से पहले इस गंदगी को साफ करने के लिए इसमें क्लोरीन मिलाई जाती है, जो इस गंदगी को तो
साफ कर देती है, लेकिन इस क्लोरीन युक्त पानी को लंबे समय तक पीने से हमारे शरीर पर कई बुरे असर पड़ते हैं। इतना ही नहीं, कई लेबोरेटरी टेस्ट्स ने ये साबित किया है कि बॉटल के जिस पानी को हम सबसे ज्यादा अच्छा और सुरक्षित समझकर पीते हैं, उसकी बॉटल्स में ही कैंसर जैसी बीमारियों को बढ़ावा देने वाले डाइऑक्सिन्स पाए जाते हैं। अगर हम अपने आसपास नजर दौड़ाएं, तो पाएंगे कि आज से 30-40 साल पहले तक जिन बीमारियों का नाम भी हमें मुश्किल से सुनने को मिलता था, वो आज हमें हर घर में मिलने लगी हैं, जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म, डायबिटीज, माइग्रेन, हाई ब्लड प्रेशर, एजिंग, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोटापा, आर्थराइटिस, डर्मेटाइटिस, डिप्रेशन, हार्मोनल डिजीजेस, इनफर्टिलिटी, कैंसर और दूसरी ढेरों बीमारियां। सवाल उठता है कि आखिर इस वक्त के दौरान ऐसा क्या बदलाव आया है जिसमें कि इन बीमारियों ने आज लगभग हर घर में घुसपैठ कर ली है, इन पर किसी भी तरह का इलाज काम नहीं कर रहा है। ये हमें शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरीकों से नुकसान पहुंचा रही है। लाखों रुपए खर्च करने और रोजाना डॉक्टरों के चक्कर काटने के बाद भी ये हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है, और इन्होंने हमारे शरीर की ताकत को निचोड़कर इसे अंदर तक खोखला कर दिया है। यानी ORP और पोटेंशियल हाइड्रोजन यानी pH, ORP वैल्यू से पानी की उस क्षमता को नापा जाता है जिससे वो ऑक्सीडेशन प्रक्रिया को धीमा करता है, और pH वैल्यू से उसके एसिडिक या एल्कलाइन गुण को। कम ORP का मतलब है फायदेमंद पानी, और ज्यादा ORP का मतलब है नुकसानदायक पानी। इसके बिल्कुल उलट, कम pH का मतलब है एसिडिक और नुकसानदायक पानी, और ज्यादा pH का मतलब है एल्कलाइन और फायदेमंद पानी। अलका प्योर, वो कैसे काम करती है उसका एक हम प्रैक्टिकली डेमो देखेंगे तो पता चलेगा कि एग्जैक्टली प्रोडक्ट क्या है। और ये बेनमून द आयुर्वेदा शॉप का एक बेहतरीन ऐसा प्रोडक्ट है कि अल्कलाइन क्या है, एसिडिक क्या है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक चार्ट है, चार्ट के जरिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप ग्रीन जो है, यहाँ 7 pH जो है वो 7 pH है, यहाँ पर 7 pH से नीचे अगर जाता है तो वो एसिडिक हो जाएगा, 7 pH से ऊपर जाएगा तो वो अल्कलाइन हो जाएगा। अभी देखते हैं, यहाँ पर 2 glass हमने लिए हैं, यहाँ पर एक ग्लास पे हमने अपना जो बिस्लरी बॉटल पीते हैं या जो भी पानी पीते हैं RO का, वो तो पानी का हमें डिवाइड कर रहे हैं, दोनों ग्लास हमने यहाँ पर लिए हैं। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक pH सॉल्यूशन है, उसे पता चलेगा कि एग्जैक्टली ये पानी जो है वो पानी क्या है। तो हम देखते हैं पहले कि यहाँ पर एक ग्लास जो है उस पर हम यहाँ पर कुछ ड्रॉप उस पर डालते हैं pH सॉल्यूशन का, जो एक केमिकल है। तो आप देख सकते हैं इसका कलर, आप देख सकते हैं यहां पर तो लगभग कितना है, 3 pH के आसपास, बराबर। अभी देखिए दोस्तों, तो यहां पर आप देखते हैं कि अल्का प्योर जो हमारा pH जो ड्रॉप है, आप जानते हैं कि आजकल जो पानी है वो पानी कैसा हो गया है। पानी, हम जो पानी को शुद्धिकरण के लिए क्या किया हमने कि RO का इस्तेमाल किया, का फिल्टर डाले, तो उससे क्या हुआ, पानी शुद्ध हो गया, लेकिन उससे वो जो पानी था वो एसिडिक हो गया। अभी अल्कलाइन कैसे होता है हम देखते हैं। यहाँ पर जो अपना अल्का प्योर है, जो आइडियल pH है, उसका कुछ ड्रॉप उस पर डालता हूं, 1, 2, 3, 4, 5 ड्रॉप मैंने डाले। अभी इसको मैं हिलाता हूं और यही pH सॉल्यूशन इस पर डालते हैं। ये कलर आप देख सकते हैं, ये pH सॉल्यूशन में आप जो डाला उसका कलर कितना है, 9 pH के आसपास, आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्लास ग्लास नीचे दिखता है, 9 pH के आसपास। अब ये चार्ट है, ओके। अभी देखिए दोस्तों, दोनों कोई कलर मिलाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो pH सॉल्यूशन जो है और उसकी वजह से ये जो था एसिडिक हो गया, ये अल्कलाइन आपको दिखता है, दिखता है दोस्तों। तो ये जो है, ये पानी जो है, उस पानी में जो एसिडिक पानी था उसको अल्कलाइन कर दिया, तो ये जो है तकरीबन कितने pH का हो गया, 9 pH का हमारे पानी जो एसिडिक पानी था उसको बना दिया। ये आप देख सकते हैं कि अल्का प्योर जो है वो अल्का प्योर का कमाल। We'll be right back.
पानी जिंदगी का तत्व है। आपके शरीर का 70% हिस्सा उसी पानी से बना होता है और उसे ठीक से मेंटेन करना चाहिए ताकि आप हमेशा हाइड्रेट रहें। काफी पानी पीना अच्छी सेहत के लिए जरूरी है। सिर्फ हाइड्रेट रहने के लिए नहीं बल्कि टॉक्सिन्स और दूसरे वेस्ट को अपने शरीर से बाहर निकालने के लिए भी। लेकिन हर पानी एक समान नहीं बना होता। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पर पानी केमिकल्स पेस्टिसाइड्स बैक्टीरिया फार्मास्यूटिकल्स रेसिड्यूज और हमारी इंडस्ट्रियलाइज्ड जिंदगी के दूसरे बाय प्रोडक्ट से भरा होता है। जो पानी हम पीते हैं पाइप्स में से ट्रैवल करता है फिर फिल्ट्रेशन डिवाइस से गुजरता है और दूसरे कई अलग अलग सिस्टम से भी गुजरता है जो उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को मैनिपुलेट करता है। हमारे टैप के पानी में क्लोरीन मिलाया जाता है। क्लोरीन से हमारे पानी में सिर्फ कुछ ही नुकसान देने वाले इफेक्ट्स होते हैं लेकिन उस पानी को काफी समय तक पीना हमारे लिए उतना ही बुरा है जितना कि वो गंदगी खुद है। तो असलियत ये है कि जिस पानी पर हम हाइड्रेट होने के लिए और अपने शरीर से टॉक्सिन्स निकालने के लिए डिपेंड करते हैं शायद वही पानी टॉक्सिन्स बढ़ा रहा है और बॉटल में मिलने वाला पानी भी उससे बेहतर नहीं है। इनफैक्ट कई स्टडीज के मुताबिक इस पानी में टैप के पानी से ज्यादा गंदगी होती है। उनके प्लास्टिक कंटेनर्स में डायोक्सिन्स होते हैं जो कि कार्सिनोजेनिक होते हैं। पानी का एक नेचुरल पीएच होता है। म्युनिसिपल ट्रीटमेंट प्रोसेस और एनवायरमेंटल प्रेशर उसकी एसिडिटी बढ़ाते हैं जो कि हमारे शरीर में जाते हैं जब हम वो पानी पीते हैं। अब इसके साथ ये भी जान लीजिए कि अमेरिकन्स पानी से दुगना सोडा पीते हैं और ऐसा खाना खाते हैं जिसे हम सबस्टैंडर्ड कह सकते हैं जो पहले से मौजूद हाई एसिड लेवल्स को बढ़ा देते हैं। इसकी वजह से एक कंडीशन पैदा होती है जिसे एसिडोसिस कहते हैं जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हो सकता है। सदियों से जापानीज डिस्टिल्ड वाटर या रिवर्स ऑस्मोसिस से ट्रीट किए हुए पानी को डेड वाटर बुलाते आए हैं। डेड वाटर में सारे मिनरल्स खत्म हो जाते हैं और वो बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। जब पानी एसिडिक होता है उसमें शरीर में होने वाले ऑक्सीडेशन को कम करने का बहुत कम पोटेंशियल होता है जिसकी वजह से फ्री रेडिकल्स बढ़ते हैं जिनसे सेल्स ऑर्गन्स और डीएनए डैमेज होते हैं। फ्री रेडिकल्स कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स के जड़ माने जाते हैं और साथ में ही एजिंग प्रोसेस के भी। 80% से भी ज्यादा बीमारियां सिर्फ एसिडिक एनवायरनमेंट में ही पनपती हैं। इसलिए ये जाहिर बात है कि शरीर को उसके एल्कलाइन स्टेट में लौटा देने से हम अपने आप को फिर से तंदुरुस्त बना सकते हैं और ऐसा करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है ऐसा पानी पीना जो कि रिस्ट्रक्चर्ड हो और जो डेड वाटर को एल्कलाइन लिविंग वाटर में बदल देता हो। साफ साफ कहे तो एसिडिक पानी में इलेक्ट्रॉन से ज्यादा प्रोटॉन्स होते हैं जिसका नतीजा है एक पॉजिटिव चार्ज। आयनाइजेशन के नाम के एक प्रोसेस के जरिए प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का रेशियो रिवर्स कर देता है उसकी एल्कलिनिटी बढ़ाने के लिए जिससे एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। किसी भी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल या फिर ORP उसके चार्ज से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। सब्सटेंसेस जिनके चार्ज पॉजिटिव होते हैं वो एसिडिक होते हैं और ज्यादातर नेगेटिव चार्जेस वाले सब्सटेंसेस एल्कलाइन होते हैं और चार्ज जितना जीरो के नीचे जाएगा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज उतनी ही ज्यादा होंगी जिसकी वजह से सेलुलर लेवल पर फ्री रेडिकल से लड़ने की ताकत मिलती है। चलिए कुछ आम सब्सटेंसेस की ORP वैल्यूज पर एक नजर डालते हैं। कुछ पानी और सोडा एसिडिक पॉइंट के या ORP स्केल के हाई एंड पर होते हैं। जैसे आप इस स्केल के नीचे उतरेंगे आप देखेंगे कि ORP वैल्यू बढ़ जाती है जिसमें लिविंग वाटर सबसे लो होता है। पैटेंटेड टेक्नोलॉजी से डेवलप किया गया यह हाइड्रोजन रिच एल्कलाइन वाटर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है जिसकी प्रॉपर्टीज हिमालय के